सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? यार आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ नोकिया 8.2 की, जिसका कि बॉक्स कुछ इस प्रकार का सील पैक है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ नोकिया का 8.2 लिखा है। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो है अपना जो डमी पीस है, जिसे कि मैंने और मेरी टीम ने मिलकर बनाया, तो यार इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। अगर आप लाइक नहीं देते हो, मैं वीडियो में सबसे पहले ही बता दूं कि डमी है। अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं है कि डमी कॉन्सेप्ट देखने में, तो भैया मत देखो, आप छोड़ के भाग जाओ। और ये भी बता दूं कि इस डब्बे को खोलते समय हो गया था एक हादसा, जो कि आप अभी आगे देखने वाले हैं। आपको हादसा कैसा लगा था वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। और जो लीक्ड स्पेसिफिकेशन है इसकी, मैं आपको ये बताऊंगा, कोई कंफर्म स्पेसिफिकेशन अभी इसकी आई नहीं है। और क्या क्या मिलेगा ये सब हम आपको बताएंगे इसमें, बॉक्स कंटेंट्स की जो कि लिख है। और हादसा आप जैसे कि देख सकते हो कि पूरा डब्बा ही टूट गया था खोलते समय, सील निकालते निकालते साला, अगर मैं कटर से करता ना तो ऐसा नहीं होता। और इसे अपन इधर से निकाल देते हैं और यहाँ पे अपन इसको फाड़ देते हैं। जब डब्बा ही नहीं बचा तो क्या मतलब रखने का, आप ही बताओ इसको, आप ही बताओ ना भैया, क्या मतलब रखने का इसको, है कि नहीं? और यहाँ पर अपने को फोन मिल जाता है, एक सिम इंजेक्शन पिन है, जो कि वहाँ पे एकदम व्हाइट कलर में लपटी पड़ी हुई है, पता नहीं क्या जरूरत थी इसको लपटी पड़ी होने की। और आई थिंक मैं इस सिम को निकालूंगा नहीं, मतलब सिम इंजेक्शन पिन को। और ये अपना एक डमी फोन है, जिसे कि हम नीचे रख देते हैं, इधर पटक देते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी अपने टीममेट्स ने एक सील लगा रखी है, जिसे कि अभी हम निकाल लेते हैं। वैसे हमारे टीममेट्स हमारे पीछे में ही है जब हम बोल रहे थे, और यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं। चलो वो निकल रहा। और यहाँ पे ये रहा अपना एक चार्जर, जो कि 27 वॉट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स आपको दिया जा सकता है, जो कि लीक्ड है। और यूएसबी टाइप सी तो यार डेफिनेटली आपको मिल नहीं है, क्योंकि नोकिया का भी हर फोन में लगभग लगभग यूएसबी टाइप सी दिया गया। और ये डब्बे को भी ट्रोल मॉडल देते हैं, जब इसका कोई काम ही नहीं रहा, जब डब्बे ही भेजा, तो यार बैक डिजाइन से दिखने में कुछ इस प्रकार का है। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यार बात रही इसके प्रोसेसर की, तो यार हमको इसमें स्नैपड्रैगन का 712 प्रोसेसर मिल सकता है, ऐसा बताया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बताया जा रहा है कि 6GB प्लस 128GB की रैम हमको इसमें दिया जाएगा, जो कि लीक गया। और बताया जा रहा है कि इसमें हमको ड्यूल रियर कैमरा मिलेगा, जैसे कि नोकिया के 5.1 में भी मिला था। तो यार ड्यूल रियर कैमरा दिया जा रहा है, बढ़िया बात है। ड्यूल रियर कैमरा में बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट कैमरा रहेगा, मेन कैमरा, वो 64 मेगापिक्सल का रहेगा। उसके साथ ही साथ हमको 64 मेगापिक्सल के साथ हमको दिया जाएगा एक 16 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, जो बहुत बढ़िया बात है। डब्बा कुछ इस प्रकार का, मैंने एक फोटो थंबनेल के लिए ले रखी है पहले से, है ना। डब्बा मुझे पता है कि हादसा हो सकता था डब्बे के साथ, तो इस कारण और हादसा हो गया। और यार बात रही इसके फ्रंट कैमरा की, तो पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। और साथ ही साथ पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ हमको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी, ऐसा बताया जा रहा है। और एंड्रॉयड 1 का इसमें हमको सपोर्ट मिलेगा, मतलब 2 साल तक आपको एंड्रॉयड की अपडेट मिलेंगे गूगल के द्वारा, जो भी बहुत बढ़िया बात है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके खुला है। और यार आज अगर तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक साथ सब्सक्राइब कर देगा। और बताया जा रहा है कि 5000 mAh की इसमें हमको बैटरी दी जाएगी। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।